कभी पाँव नहीं रख पाओगे। अध्यक्ष जी बता रहा हूँ, ये चपरा ये मेरे साथ नहीं चलेगा। अध्यक्ष जी गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, आप गुस्सा मत करो। तुम बैठो, मैं तुम्हें क्या कहना होता है, ये कहना सबको आता है, ये तमाशा है। इसके माननीय संसदीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी नियुक्त अध्यक्ष जी लाने का उस सदस्य का प्रस्ताव लाइए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी गुस्सा, संसदीय मंत्री ऐसे ऐसे सदस्य के खिलाफ प्रस्ताव लेके आओ, इसके खिलाफ प्रस्ताव लाओ। क्या यूं करके मेरे से बात कर रहे हो, अध्यक्ष से बात कर रहे हो, इतनी तमीज नहीं है। एक आप इरादे नहीं, आप उसको उसको सदन से बाहर भेजो, उसको सदन से बाहर भेजो, तब सुनूंगा। अध्यक्ष जी हंस रहे हो, शर्म नहीं आ रही है। सोमवार के दिन राजस्थान विधानसभा को शर्मसार करने का मामला जो है वो सामने आया है, और सदन के अंदर जो है धक्का मुक्की से लेकर एक महिला विधायक की चूड़ियां टूटने और कई विधायकों के चोटिल होने की जो है वो खबर सामने आई है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष को उंगली दिखाने को लेकर ये मामले ने तूल पकड़ा और मामला इतना गर्म हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष ने मुकेश भाकर जो कांग्रेस के दूसरी बार विधायक चुनकर आए हैं उन्हें सदन से विधानसभा से निकालने का जो है वो आदेश दे दिया, और कम से कम तकरीबन 100 जो मार्शल हैं उनको ये आदेश दिया कि मुकेश भाकर को यहां से निकाल दिया जाए। उसके बाद जैसे ही मुकेश भाकर को निकालने के लिए मार्शल वहां पर पहुंचते हैं तो पूरे जो कांग्रेस के विधायक हैं और जो महिला विधायक हैं वो चारों तरफ मुकेश भाकर के घेराबंदी कर लेते हैं, और इसी के बीच जो कांग्रेस विधायक हैं और जो मार्शल हैं उनके बीच आपस में धक्का मुक्की होती है और भिड़ंत होती है। इसी के बीच कई विधायकों ने चोटिल होने की भी शिकायत की तथा जो विधायक हैं अनीता जाटव जिनकी चूड़ियां टूटी हैं वो हाथ में चूड़ियां लेकर बता रही थी और चोट के निशान भी बता रही थी। दरअसल ये मामला यहां से शुरू होता है कि जो पीपी और जो एपीपी हैं उनकी नियुक्ति को लेकर विपक्ष है जो सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा था। अब सत्ता पक्ष से जब ये सवाल पूछा तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जो मामला कोर्ट के अंदर न्यायालय के अंदर विचाराधीन है उस पर जो है वो सदन के अंदर चर्चा नहीं चलेगी, लेकिन मैं बातचीत करके इसकी व्यवस्था देने की कोशिश करूंगा। अब उस व्यवस्था देने की कोशिश के बीच ही जो विपक्ष है उसने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, और इसी के बीच जो विधायक है मुकेश भाकर उन्होंने अपने दोनों हाथों के इशारे कर दिए कि ये क्या बात हुई। इसी बात को लेकर जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को इतना गुस्सा आया, चाहते तो वो इस मामले को शांत भी कर सकते थे लेकिन उनके गुस्से ने इतना तूल पकड़ा कि उन्होंने मुकेश भाकर को जो है वो आसन को उंगली दिखाने की बात कहकर जो है वो सदन से निलंबित कर दिया। जो ये सत्र है वहां तक के लिए मुकेश भाकर को निलंबित कर दिया गया, और इसी को लेकर मार्शल को बोला और मार्शल को बोलकर उनको बाहर निकालने का आदेश दिया। दरअसल जो संसदीय कार्यवाही मंत्री हैं जोगाराम पटेल उनके पुत्र को पीपी और एपीपी की नियुक्ति को लेकर इस मामला ये गर्म हुआ है। अब इसको लेकर जो विपक्ष है टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष है उनका कहना है कि संवैधानिक संकट इसलिए है क्योंकि सीआरपीसी की धारा के तहत जो है वो उसकी नियुक्ति की गई है, जबकि अब भारतीय न्याय संहिता का जो है वो नया कानून आया है तो उसमें सीआरपीसी जो है वो अस्तित्व में नहीं है। ऐसे में जो सीआरपीसी के तहत जो नियुक्ति की गई है वो नियुक्ति ठीक नहीं है। ऐसे में अब विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि ऐसे ऐसे इशारे जो है वो विधानसभा के अंदर किए गए हैं जो सदन के अंदर ये अभद्र इशारे हैं, अभद्र भाषा का भी प्रयोग का जो है वो आरोप एक तरीके से मुकेश भाकर ने जो है वैसा कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया मुकेश भाकर ने, क्योंकि जो कैमरा था वो विधानसभा अध्यक्ष जो है उसके अंडर में रहता है। ऐसे में सत्ता पक्ष को दिखाया गया जब विवाद वहां पर हो रहा था तो वो तस्वीरें तो सामने नहीं आई हैं, जब मार्शल और जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके बीच जो झड़प हुई उसकी तस्वीरें तो सामने नहीं आई, लेकिन जो पूर्व वरिष्ठ विधायक हैं वो छत पर जो जमीन पर गिर पड़े, और ऐसे में जो है काफी बवंडर विधानसभा के अध्यक्ष हुआ। अब इसको लेकर जो संसदीय कार्यवाही मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जानबूझकर ये गतिरोध जो है वो पैदा किया गया है, और सदन के अंदर जो सवाल पूछा गया था वो सवाल जो है वो नहीं पूछना चाहिए था क्योंकि जानबूझकर ये गतिरोध पैदा किया है, उस सवाल का कोई महत्व नहीं होता। 7 महीने पहले मेरे पुत्र की नियम अनुसार जो है वो नियुक्ति की गई है। इसी को लेकर जो कांग्रेस विधायक है कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली उन्होंने कहा है कि हम सदन के अंदर धरना देंगे, और इसी के बीच पूरी रात भर जो है वो
विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायक जो हैं वो विधानसभा के अंदर ही खाना मंगवाते हैं और वहां पर जो धरना है वो लगातार जारी रहता है। छोटी सी बात को लेकर राजस्थान की विधानसभा जो है वो पूरी तरह शर्मसार हुई है। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब राजस्थान विधानसभा के अंदर ऐसा हुआ। भैरू सिंह शेखावत की जब सरकार थी, भैरू सिंह शेखावत के वक्त भी उन्होंने इस तरीके से धरना विधानसभा के अंदर दिया था, और चाहे सत्ता कांग्रेस की रही हो या फिर बीजेपी की रही हो, इस तरीके से धरना विधानसभा के अंदर कई बार दे दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी जिसको लेकर इतना विवाद पैदा होता, मामले को शांत भी किया जा सकता था। विधानसभा अध्यक्ष जो है वासुदेव देवनानी, उनको इस बात को लेकर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जो है मुकेश भाकर को निलंबित कर दिया और मार्शल को ये आदेश दे दिए कि इनको विधानसभा से बाहर निकाला जाए। बस क्या था, जैसे ही 100 के आसपास जो मार्शल है वो मुकेश भाकर को जब निकालने के लिए आते हैं तो ये विवाद खड़ा होता है। इसी विवाद के बीच जो है कई कांग्रेस विधायकों ने चोटिल होने की शिकायत भी इस मामले को लेकर की है, और जो अनीता जाटव हैं, जो विधायक हैं, उनकी चूड़ियां टूटी है और वो चूड़ियों को लेकर जो है सारे मीडिया कर्मियों को दिखाती हुई नजर आई और कहा कि मेरी चूड़ियां टूटी है, मैं कई जगह से चोटिल हुई हूँ। अब इस मामले को लेकर मंगलवार के दिन 11 बजे तक विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है और कांग्रेस विधायक पूरी रात जो है वो विधानसभा के अंदर इस मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। महेंद्र बांसुरता, लोकमत हिंदी, जयपुर।